This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सर आज के आसान करने वाले हो सर, तो इससे पहले ना मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था, फेज चेंज और मिक्सिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, मिक्सिंग का कंसेप्ट और फेज चेंज का कंसेप्ट जो कैलोरीमेट्री में होता है उसको मिला के मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके तुमको दिखाया था। आज एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम हो गए हैं स्वामी, एक प्रॉब्लम से समझना ये कंसेप्ट थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं आपको सीधे ले चलूंगा स्लाइड पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल रखने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास दो कंटेनर है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो कंटेनर है, पहले कंटेनर में हमने रख दिया है आइस, आइस आइस आइस, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में रख देते हैं स्टीम, भाप, स्टीम को रख दिया हमने। कितना आइस कितना स्टीम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 100 ग्राम आइस, 100 ग्राम्स ऑफ आइस। अब अगर आइस है तो -20 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, और यहां पर ले लेते हैं 300 ग्राम्स या 200 ग्राम ले लेते हैं, 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम ले लिया हमने, 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर ए है जिसमें 100 ग्राम आइस था -20 डिग्री सेल्सियस पर, और कंटेनर बी है जहां पर 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम है एट 120 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर दोनों कंटेनर्स को मिला दिया जाए, ठीक है, अगर आइस को स्टीम में मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, मतलब आइस दिखेगा, स्टीम दिखेगा, आइस या स्टीम दिखेगा, वाटर दिखेगा, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा गया। अब सुनने में हो सकता है कि लगे कि सर ये कैसे करेंगे, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा सुनने में लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ठीक है, हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर अप्रोच करेंगे तो शायद आपको इतना मुश्किल ना लगे। अब आपको ना आइस को स्टीम की तरफ लेके जाना पड़ेगा और स्टीम को आइस की तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप आइस का टेम्परेचर बढ़ाकर 0 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो, -20 डिग्री सेल्सियस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना चाहते हो, तो आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। कितना एनर्जी सप्लाई करोगे, एम सी डेल्टा टी, मास इज 100, C का वैल्यू आइस के लिए कितना होता है, हाफ होता है, और टेम्परेचर चेंज अगर आप देखोगे तो 20 का हो रहा है, तो ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर हो गया 1000 कैलोरीज, ये 1000 कैलोरीज हमारे पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम है। अब स्टीम को क्या करना है, आइस की तरफ लेके जाना है, तो अगर स्टीम को आइस की तरफ लेके जाना पड़े जाना होगा ना, तो आप क्या करोगे, स्टीम से एनर्जी बाहर निकालना स्टार्ट करो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप जो इसका बनाएंगे वो होगा 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम, 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम था, मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम ला रहा हूं। ठीक है सर, अब देखो, जब तक दोनों एक नेचर के नहीं आएंगे ना, तब तक दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर आइस है, यहाँ पर स्टीम है, तो अभी नहीं मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, कितना एनर्जी निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो मास इज 200, सी का वैल्यू इज हाफ, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, टेम्परेचर चेंज देखोगे 120 से 100, तो -20 हो जाएगा, -20 हो गया। -20 का मतलब क्या हो गया, -20 का मतलब हो गया कि यहाँ पर एनर्जी बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा -1000 कैलोरीज। हो सकता है जब ये वीडियो बन के आए तो ये पोर्शन थोड़ा ना दिखे, लेकिन आप समझ जाना मैंने आपको डिक्टेट भी किया है, मैंने क्या सॉल्व किया है। अच्छा, यहाँ पर आइस है, यहाँ पर स्टीम है, अभी भी मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को आप वाटर बना लो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस को वाटर में कन्वर्ट करें, फेज चेंज हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा है तो एम इंटू एल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 100 ग्राम है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 80 का होता है, तो 8000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको यहां पर होगी। अच्छा, इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें से और एनर्जी बाहर निकालो, कितना एनर्जी बाहर निकालने वाले,
एनर्जी बाहर निकालने वाले हैं, जिससे ये क्या हो जाए 200 ग्राम्स ऑफ वाटर बन जाए, 200 ग्राम्स ऑफ वाटर बन जाए एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मास इज 200, स्टीम से वाटर बना रहे हो, तो स्टीम से वाटर बना रहे हो तो लैटिट्यूड ऑफ आपको वेपराइजेशन लेना पड़ेगा, कितना होता है 540 होता है, तो 540 इनटू 200 करोगे तो कितना हो गया 54 इंटू टू, ये 118 आ रहा है, बहुत ही भयंकर वैल्यू आ चुका है 118000 कैलोरीज इतना आ गया। अब देखो ये एनर्जी बहुत कम है सर, अभी भी एनर्जी बहुत कम है, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो गया है सर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जहां पर भी एनर्जी कम लगता है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर भी मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब एक और स्टेप अपने को बढ़ाना है, जिसका भी एनर्जी कम दिखेगा उसी से आपको क्या करना होता है, प्रोसीड करना होता है। तो ये हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या किया, टेम्परेचर ही तो बढ़ाया सर, तो MC डेल्टा T का फॉर्मूला यूज करते हैं, मासेस 100, C का वैल्यू वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 होता है, और डेल्टा T कितना हो गया 100 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10,000 कैलोरीज। अब देखो सिस्टम से एनर्जी आपने कितना, अब देखो ये मेरे पास क्या है ना, इस पॉइंट पर देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर है मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर, 200 ग्राम ऑफ वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी पानी एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पर आप दोनों को मिक्स कर सकते हो, तो इस पॉइंट पर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, इस पॉइंट पर सर दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे और ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, तो आपके पास आ जाएगा 300 ग्राम पानी, 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, 300 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ, इसके साथ साथ एनर्जी भी है, कितना एनर्जी है तो वो देखो, ये कन्वर्जन यहां से यहां लाने के लिए जो एनर्जी लगा वो कितना लगा, यहां पर 1000, यहां पर 8000 9000, और यहां पर ये क्या है 10,000। तो ये जो एनर्जी था, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हो, एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाले थे, एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो कितना है, 19,000 कैलोरीज का एनर्जी सर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। सिस्टम से मिला कितना सर, तो सिस्टम से मिला कितना अगर वो देखोगे तो यहां पर मिला 1000 कैलोरीज और यहां पर मिल रहा है 118000। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा क्या, जो सिस्टम से एनर्जी बाहर मिला, एनर्जी रिसीव जो है वो जाएगा 119000 कैलोरीज। चाहिए इतना था, मिल इतना गया, इतना चाहिए था मिल इतना गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग एनर्जी है, अब रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो रिमेनिंग के लिए आप क्या करो, 119 जो एक्सेस है उसमें से कम वाले को माइनस कर लो, यहां पे सॉल्व करने पर आ जाएगा 100। इतना कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो अभी हमारे पास एक्सेस में है, क्योंकि इसकी जरूरत थी नहीं, अपने को जरूरत कितने की थी, अपने को जरूरत सिर्फ 19,000 कैलोरीज की एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन मिला कितना अपने को, 119000 कैलोरीज, अपने को इतना एनर्जी मिला। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है सर, ये कहाँ जाएगा सर, ये सिस्टम, ये बाहर चला जाएगा क्या, नहीं, ये जो एनर्जी है आप इसको क्या करोगे, सिस्टम को वापस से रिटर्न करोगे। तो अब देखो अगर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है और तुम अगर सिस्टम में और एनर्जी डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं सर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फेज में चेंज होना स्टार्ट होगा। तुमने अगर 540 कैलोरीज ऑफ एनर्जी दिया होता ना तो एक ग्राम जो वाटर था वो कन्वर्ट कर गया होता, अगर तुम 540 कैलोरीज ऑफ एनर्जी दोगे तो एक ग्राम का कन्वर्जन हो गया होता, अगर तुम 540 इंटू 2 दोगे तो 2 ग्राम का कन्वर्जन हो जाएगा। अब इतने एनर्जी में कितना ग्राम का कन्वर्जन होगा, अगर मेरे को वो कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि लेट आउट ऑफ दिस 300 ग्राम्स ऑफ वाटर एक्स ग्राम का कन्वर्जन हो गया, मैं ऐसा बोल देता हूं, तो आउट ऑफ 300 ग्राम अगर x ग्राम का कन्वर्जन हो गया तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, x ग्राम इंटू 540, ये जो कन्वर्जन हुआ ये तो जो एक्सेस एनर्जी था इसी के कारण हुआ ना, ये जो एक्सेस एनर्जी उसके कारण हुआ, तो अगर एक ग्राम का कन्वर्जन होता 540 होता, तो मुझसे ये पूछा गया है कि इतने अमाउंट ऑफ कैलोरीज में कितना कन्वर्जन होगा, तो वो x अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो रहा है,
अब मैंने नहीं सोचा था इतना भयंकर वैल्यू आएगा, ठीक है कोई नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं इसका अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने पे जाऊं ना, तो ये 54 है, ये 100 है, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2 मान रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 200 के आसपास आ रहा है, मतलब x का वैल्यू जो है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखा 200 ग्राम्स का आ रहा है। इसका क्या मतलब है सर, कि आउट ऑफ दिस 300 ग्राम्स ऑफ वाटर, 200 ग्राम वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो जो फाइनल कॉम्पोजिशन है वो क्या है, 200 ग्राम स्टीम है अप्रोक्सीमेटली, तो 200 ग्राम स्टीम है, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो तो सर वाटर है और 100 ग्राम वाटर है। और जब तक पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं होगा, जब तक पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। मतलब जब तक पूरा कन्वर्जन नहीं होता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ स्टीम, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है ये क्वेश्चन अभी भी ना समझ में आया, वीडियो को 10 बार 3 बार 4 बार 1000 बार जितनी बार देख सकते हो देखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करो, आप एलन का मटेरियल देख सकते हो, आकाश का मटेरियल देख सकते हो, डीसी पांडे देख सकते हो, कहीं पर भी देखो आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए एंड करते हैं।